किया जिस घर के विधा हो। श्री गौरी शंकर शिवाज जी, आपसे निवेदन है कृपया मंच पे। इसके पश्चात मैं सभापति महोदय से निवेदन करूंगा कि आदरणीय विधायक महोदय का स्वागत करेंगे। इसके पश्चात नेता प्रतिपक्ष से निवेदन करूंगा, माननीय विधायक महोदय का स्वागत करेंगे। आयुक्त महोदय से निवेदन करूंगा, माननीय विधायक महोदय का स्वागत करेंगे। मेयर साहब का स्वागत आयुक्त महोदय से निवेदन करूंगा। पूर्व विधायक आदरणीय श्री नंद कुमार साहू जी के स्वागत के लिए मैं दीपक पांडे जी से निवेदन करूंगा। सभापति महोदय के स्वागत के लिए मैं देवांगन जी से निवेदन करूंगा। नेता प्रतिपक्ष के स्वागत के लिए मैं निगम सचिव मैडम से निवेदन करूंगा। आप लोग सोच रहे होंगे मैं जंगल में क्या कर रही हूँ। ऐसा है कि ये न्यू रायपुर है, यहाँ पर मेरा ज़मीन है। आज मैं ज़मीन देखने आई हूँ, कम से कम 4 से 5 साल बाद अपना ज़मीन यहाँ पर लेकर छोड़ दिए थे हम लोग, आज देखने के लिए आए हैं, इसलिए मैं आप लोग को भी दिखा रही हूँ न्यू रायपुर। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। और आप लोग का लकी यूट्यूबर धमाका में स्वागत है। आप लोग को मैं ये बताना चाहती हूँ कि यूट्यूब पे काम कर करके लेडीज थक जाएगी पर कुछ नहीं हासिल होगा। मुझे ऐसा लगता है यूट्यूब बकवास है, क्योंकि 2 साल से मेहनत कर रही हूँ, कुछ नहीं हुआ और अब लगता है आगे भी नहीं होगा। छोड़ूंगी तो नहीं, पर ऐसे ही जब टाइम मिलेगा वीडियो डालूंगी। परमानेंट मैं इस पे काम नहीं कर सकती, क्योंकि घर से टाइम निकाल के वीडियो डालो और कोई नहीं देखता है, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मैं थक चुकी हूँ। और इससे अच्छा तो मोदी सरकार ने हम लोग के लिए यहाँ पे रायपुर में कई योजना निकाला है जिससे फ़ायदा हो सकता है। एक योजना है जिसका फॉर्म मैंने भरा है, आप लोग को दिखा रही हूँ, ये देख सकते हैं, ये महतारी बंधन योजना है। आप लोग को उल्टा दिख रहा होगा इसमें, ये अभी एक नया सा फॉर्म निकला है जिसमें इसको भरने पर और हर महिला को हर महीने 1,000 रुपया मिलेगा। और इसके अलावा और है, और एक था क्या था, विश्वकर्मा योजना, फिर आवास योजना, कई सारे यहाँ पे नियम है मोदी सरकार ने निकाला है छत्तीसगढ़ में, कि लेडीज अपना घर में बैठे ही कई चीज़ का फायदा उठा सकती है। मैंने भी कई सारा फॉर्म भरा है और देखती हूँ क्या चीज़ में मेरा नाम आता है नहीं आता है, आप लोग को ज़रूर दिखाऊंगी। पर मुझे यूट्यूब तो बहुत ही ज़्यादा बकवास अब लग रहा है, क्योंकि कोई वीडियो वायरल नहीं हो रहा है और ना अच्छा शॉर्ट वीडियो जा रहा है, इसलिए अब इच्छा नहीं करता यूट्यूब पे वीडियो बनाने का। घर से काम बंद करके मैं इतना मेहनत करती थी पर कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए बनाऊंगी वीडियो अचानक कभी मूड किया तो। परमानेंट मैं यूट्यूब पे अब काम नहीं करूँगी। सिलाई का काम भी मेरा था, मैं बंद कर दी थी यूट्यूब के चक्कर पे, पर अभी भी सिलाई का काम नहीं करना चाहती हूँ मैं, क्योंकि सिलाई का काम करने से सिर में मेरे बहुत ज़्यादा दर्द होता है, इसलिए मैं सिलाई का काम नहीं करना चाहती फिर भी। लेकिन कई लोग हैं प्रेशर डाल रहे हैं, थोड़ा बहुत करूँगी, मतलब दिन में एक ब्लाउज भी सिल ली तो बहुत है, क्योंकि मैं सिलाई का काम भी नहीं करना चाहती हूँ। कोई बात नहीं, यूट्यूब वाले सपोर्ट नहीं करते गरीब का, मत करें, किस्मत में होगा जो मिलेगा।
और मैं आज इसीलिए वीडियो कई दिन के बाद आखिर क्या रीजन पे वीडियो बनाए, जो भी रीजन पे बनाते हैं हमसे भी फालतू लोग बनाते हैं, पर उनका वीडियो कितना अच्छा जाता है। हम लोग तो कुछ ना कुछ अपने घर के बारे में कुछ बना के दिखाते हैं पर कोई फायदा नहीं है। आप लोग अगर मेरा ये वीडियो देख रहे होंगे तो प्लीज़ बताइएगा क्या मैं सही बोली हूँ या गलत बोल रही हूँ। अगर मेरी बात सही लगी होगी आपको तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और मैं वीडियो परमानेंट नहीं डालूंगी, जब टाइम मिलेगा तब डालूंगी, नहीं मिला तो नहीं डालूंगी। इससे जो भी होगा मेरे चैनल पे कोई बात नहीं, क्योंकि इतना टाइम नहीं मिलता है, घर में इतना काम है मेरे, इसलिए मैं नहीं डाल पाऊंगी। ओके बाय, मैं इस वीडियो को यहीं ख़त्म करती हूँ। अगर आप मेरा ये वीडियो देख रहे होंगे तो प्लीज़ एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा क्या मैं सही बोल रही हूँ या गलत बोली हूँ।